रहमदल्ल अबिलमी वसलात वसम महमदमी आऊज़बिल्ल मन रज़ीम बसमिल्लर रहीम खवातिन हज़रा सूर्य नसा की आयत सन्तालीस से, सन्ता से दर्शक पैदा कर रहे हैं इससे पहले यहूद पर इतमाम हजत का मजमून शुरू हो गया था वही मजमून आगे चल रहा है फिर उनको एक मरतबा ख़िताब करके इरशाद फरमाया है याईू ऊतुल किताब है वो लोगों जिन्हें किताब दी गई आमिने बेमा नज़ल ना मुसद्दल माँ माकुम उस चीज़ को मान लो जो हमने उन चीज़ों की तस्दीक में उतारी है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है यानी कुरान मजीद क़ुरान मजीद उन चीज़ों की तस्दीक करता हुआ आया है उन पेशनगोईियों का मसदाक बनकर आया है जो इससे पहले तौरात में थी और इंजील में भी थी तो उनका जिक्र इस तरह किया है कि जो कुछ तुम्हारे पास मौजूद था ये किताब उन्हीं चीज़ों की तस्दीक में आई है इसलिए इसको कबूल करो इसका तुम इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ से अब दावत शुरू हो रही है लेकिन दावत का उसलूब अगले ही जुमले से वाज हो जाएगा कि इतम हजत का है यानी ये मरहला ऐसा है कि जिसमें अब बात सिर्फ समझाने बुझाने की नहीं है बल्कि एक तरीके से आखिरी पैगाम देने की तो ये सूरतें खात्मे को पहुंच रही हैं नसाह है इसके बाद मायदा है तो इसमें यूँ समझ लीजिए कि यहूद से जो बात शुरू हुई थी सूर्य बकरा से वो अब पाया तकवील को पहुंच रही है तो लबो लहजे में जो सख्ती है उसको इस पस मंज़र में देखना चाहिए तो फरमाया उस चीज़ को मान लो जो हमने उन चीज़ों की तस्दीक में उतारी जो तुम्हारे पास मौजूद हैं और फिर फरमाया कि मान लो मिन कबल नतम सजूहन फ़नरुद्दा आला बार अलान कमालब सप्त व अमर मफूला मान लो इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और उनको पीछे की तरफ उलट कर बराबर कर दें या उन पर भी जिनके ये चेहरे हैं उसी तरह लानत कर दें जिस तरह हमने सप्त वालों पर लानत कर दी थी और याद रखो कि खुदा की बात होकर रहती है इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि लबो लहजा कितना सख्त है यानी पहले ये कहा कि उस चीज़ को मान लो जो तुम्हारे पास जो कुछ मौजूद है उसी की तस्दीक में नाजिल हुई है और उस दिन से पहले पहले मान लो कि जब चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे और उस दिन से पहले मान लो जबकि वो पीछे की तरफ उलट कर बराबर कर दिए जाएंगे और जिनके चेहरे हैं उन पर खुदा ने लानत कर दी है ऐसे ही जैसे सप्त वालों पर लानत की थी एक एक जुमले को अगर आप देखिए तो ये मालूम होता है कि अहले किताब ने जो रवैया इख्तियार किया उस पर मामूली गज़ब है जो जुमलों से टपका पड़ रहा है इसी वजह से इनको मकजूब अलहम से ताबीर किया गया है इसकी वजह क्या है इसका सबब क्या है ये मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ यहूद का मामला या बनी इसराइल का मामला सिर्फ़ ये नहीं है कि वो एक पैगंबरों की उम्मत है बल्कि अल्लाह ताला ने उनको बैसीत उम्मत मनसब शहादत पर फ़ायज़ किया उनका इंतखब किया अल्लाह ताला ने बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो पैगंबरों का इंतब करता है अल्लाह ताला ने पहले मरले में पैगंबरों का इंतब किया यानी फ़र्दन फ़र्दन जैसे कि कुर मजीद ने सूरी आरान में बताया था कि हस्तफ़ा आदमा नूहन आदम का इंतबाब किया नूह का इंतखा किया इस तरह पैगम्बरों का इंतबाब किया और फिर एक वक्त वो आया कि सैदना इब्राहीम की पूरी औलाद का ज़रूरीत इब्राहीम का इंतबाब कर लिया गया कि अब ये दुनिया के वस्त में आबाद होकर अल्लाह के दीन की गवाही देगी तो एक लिहाज से एक नौत का नबूत का मनसब है जिस पर पूरी कौम फाइज़ कर दी गई इस लिहाज से इनको देखना चाहिए कि इनका मामला क्या है तो बहुत सख्त अल्फाज में यहाँ ये बयान फरमाया कि इससे पहले कि ये सब हो जाए इसमें जो अल्फाज आए हैं नत में सा वजूह के तो मतलब क्या है मतलब ये है कि तुम्हारे चेहरों पर ये आँख कान मुंह और नाक के निशानात ये किस लिए थे इसीलिए थे ना कि इंसान एक साहिब इरादा साहिब शूर मखलूक है तो वो दिन आ जाएगा कि जब ये निशानात बराबर कर देंगे हम मिटा कर बराबर कर देंगे क्योंकि ये कुवतें जिस मकसद से अता हुई हैं जब वो काम इन से नहीं लिया गया तो इनको बाकी रखने की कोई वजह नहीं है इसके बाद तो यही बेहतर है कि चेहरे भी उसी तरह स्पाट कर दिया जाए इस तरह सर के पीछे का हिस्सा स्पाट बड़े सख्त अल्फाज है यानी उस दिन का इंतजार करो कि जिस दिन जैसे तुम्हारे सर के पीछे का हिस्सा स्पाट है हम इस चेहरे को भी ऐसे स्पाट कर देंगे आंखें दी तुमने देखा नहीं कान दिए तुमने सुना नहीं तो फिर इनका फ़ायदा किया अच्छा फिर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वजूहन अगर अरबी ज़ुबान के असालीब का लिहाज रखा जाए तो चूँकि नकरा है तो नफरत और कराहत इसके अंदर टपकी पड़ रही है यानी आप अगर देखें इस लफ्ज़ को तो ये गोया इशारा करना मकसूद है कि मुतकलम इन लानत सदा चेहरों का तयन के साथ जिक्र करना भी पसंद नहीं करता यानी यह नहीं कहा तुम्हारे चेहरे इनके चेहरे बल्कि चेहरे बड़ी सख्त नफरत और कराहत के साथ जिक्र किया है वजूह हम नहीं कहा वजूहन कहा है गोया मोह फेर लिया है उनके साथ नस्बत देना भी पसंद नहीं किया और फिर उसके बाद आगे ये कहा है कि हम लानत कर दें तो ये वाक़ ये है कि इन आयतों को अगर आप पढ़ें तो चेहरों को बिगाड़ देने की ये धमकी जो इन्हें दी गई है इसमें बिल्कुल मालूम होता है कि अमल और सज़ा की मुशाबत यानी ऊपर वाली आयत में जो उनकी हरकत बयान हुई वो जहन में रखिए कि पैगंबर का मजाक उड़ाने के लिए मोह बना बना कर लहजे को बिगाड़ बिगाड़ कर अल्फाज को कुछ से कुछ करते और इस मोह बनाने और अल्फाज के बिगाड़ने को अपना हुनर समझते थे कि हमने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है इस तरह रिसालत में आपल्म की मजरस में गए थे तान करके वापस आ गए हैं अब जब यहाँ तक नौबत पहुँच गई तो इस लबो लहजे की सख्ती भी समझी जा सकती है कि इनसे कहो कि अब भी अपने आप को दुरुस्त कर लें ये इसके मुस्तक हो चुके हुए हैं कि अपनी इन हरकतों की पादाश में इस अंजाम को पहुँचें कि इनके चेहरे मस्क कर दिए जाएँ इन्होंने हक़ से मुंह मो मोड़ने को शेवा बना लिया है तो अब ये सदावार हैं इसी लायक हैं कि इनके चेहरे पीछे की तरफ उलट दिए जाएँ यानी पहले ये कहा कि चेहरे बराबर कर दिए जाएँ फिर ये कहा कि उलट कर पीछे की तरफ कर दिए जाएँ तो इससे गोया ये बताना मकसूद था कि ये सूरत हाल है जो इन्होंने हिदायत के नाजिल होने के बाद अपने लिए पैदा कर दी इसके बाद आगे ये कहा कि हम इन पर उसी तरह लानत कर दें जिस तरह हमने सप्त वालों पर लानत कर दी थी सब्त का हवाला दिया है ये वो वाक़ है जो सूरह बकरा में भी बयान हुआ है कि इनकी एक बस्ती के साथ ये मामला हुआ कि सप्त के दिन चूँकि इनको काम काज पर पाबंदी लगा के पाबंद कर दिया गया था कि ये कोई इस तरह का मामला नहीं करेंगे तो इन्होंने मछलियाँ पकड़ने के लिए एक हीला तराशा यानी ऐसी नालियाँ बना दी जिसमें हफ्ते के दिन से पहले ही कुछ मछलियाँ आ जाती और फिर उसके बाद ये इतवार के दिन उनको पकड़ लेते थे तो ये जो सूरत हाल थी इसको अल्लाह ताला ने वो अपने साथ फ्रेब इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती इससे ये भी मालूम होता है कि इंसान अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी कर बैठता है कोई गलती उससे हो जाती है इंसान है अल्लाह माफ़ करता है लेकिन अगर कोई कौम हीलेबाज़ी पर उतर आए तो ये चीज़ अल्लाह को कितनी नापसंद है चनाचे इरशाद फरमाया था कि हमने इन पर लानत कर दी और उस लानत की जो सूरत वहाँ बयान हुई है वो ये थी कि ये ज़लील बंदर बना दिए गए और क़ुरान मजीद के बयान से ये मालूम होता है कि पहले इनकी सीरत मशक हुई इसके बाद जो थोड़ा बहुत ज़ाहरी फ़र्क रह गया था वो भी मिट गया यहाँ तक कि अल्लाह की लानत ने इनके जाहिरों बातिन को एक कर दिया बिल्कुल जानवर होकर रह गए तो ये एक बड़ी सजा थी जो उनको दी गई उसका ज़िक्र यहाँ किया है कि क्या ये अब उस अंजाम को पहुँचना चाहते हैं ये चाहते हैं कि अपने इस रवैये के नतीजे में उन्होंने हीला गरी की थी खुदा के साथ धोखा किया था फरेब किया था ये इस तरीके से ज़ुबान को तोड़ मोड़ कर पैगम्बर पर तान करके बिल्कुल उसी रवैये को दोबारा अमल कर रहे हैं तो क्या ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनको भी यहाँ पहुँचा दे तो इनको दावत दो इस बात की कि इस दिन के आने से पहले अल्लाह के इस फ़ैसले से पहले ये अपने आप को दुरुस्त कर लें इन ला युशरक बही कहीनि गोया ये जो चीज़ है इनके हाँ बावजूद इसके कि ईमान लाए हुए लोग हैं दीन को मानने वाले हैं खुदा की शरीत को मानने वाले हैं पैगंबरों को मानने वाले हैं लेकिन बदकिस्मती से इस जो में बातिल में मुबला हो गए हैं कि अकायद माल कुछ हों जन्नत में तो हम जाएँगे तो फ़रमाया कि इनको बता दो ये बात कि इन अल्लाह यकफ़्र युशर क बही अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि जानते बूझते किसी को उसका शरीक ठहराया जाए वह यग फिर मादू नज़ालम यशा इसके नीचे अलबत् जिसके लिए जो गुना चाहेगा अपने कानून के मुताबिक बख्श देगा व युशरिक युशरक बिल्ल पकदरा इसमन अजीमा और इसमें तो कोई शबाही नहीं कि जो अल्लाह को शरीक ठहराता है वो एक बहुत बड़े गुनाह का इरतका करता है अब ये जो फरमाया कि इनके हाँ ये सरकशी क्यों आई है क्यों पैगंबर के मुकाबले में खड़े हो गए क्या वजह हुई है कि इस सतह पर उतर आए ये जानते हैं कि रसालत माँ आप सल सर के पैगंबर हैं इस मुकाम पर क्यों खड़े हो गए हैं उसकी वजह इनका ये अकीदा है कि हमारे लिए तो जन्नत की ज़मानत है लेकिन ये अपने अमाल पर निगाह डाल के देख लें ये तो इनका आज का अमल है ये अल्लाह के साथ शर्क का इरतक कर चुके हैं और अल्लाह का कानून ये है अल्लाह का कायदा ये है कि जानते बूझते अगर किसी को शरीक ठहराया गया अल्लाह ताला का तो फिर वो माफ नहीं करेगा वजह क्या है वजह ये है कि शर्क खुदा पर इफरा है खुदा पर झूठ बांधना है शर्क करने का मतलब ये है कि आदमी ये दावा कर रहा है कि फलाँ और फलाँ को ये हसीियत खुदा ने दी है इसके बगैर तो किसी को शरीक नहीं ठहराया जा सकता शर्क के हक़ में कोई अकली इस्तदलाल नहीं किया जा सकता जब भी किसी को शरीक ठहराया जाएगा तो ये मानना पड़ेगा कि ये फ़लाँ शख्सियत है या फ़लाँ हस्ती है अल्लाह ताला ने इसको ये इख्तियार दिया है अल्लाह ताला ने इसको ये हैसियत दी है अल्लाह ने यह फ़लाँ काम इसके से किया है ये यह सच है या झूठ है अगर ये सच है तो इसकी कोई दलील होनी चाहिए यानी अल्लाह ने क्या अपनी किताब में कहा है किसी पैगम्बर के ज़रिए से कहा है और अगर ये सच नहीं है तो फिर अल्लाह के ऊपर इफ़रा करना है तो इस वजह से शर्क एक बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है क्योंकि इसमें आदमी किसी अकली और इल्मी गलती में वो ही नहीं हो सकता वो जो कुछ कह रहा है वो असल में अल्लाह पर झूठ बांध के कह रहा है तो इसको सबसे बड़ा जुल्म करार दिया है ये ऐसा बड़ा जुल्म है कि इससे बड़े किसी जुल्म का ज़मीन पर इतकब नहीं किया जा सकता इससे तौबा और रजू के बग़ैर कोई शख्स अगर दुनिया से रुखसत हो जाता है तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये ऐलान कर दिया है कि उसकी बारगाह में उसके लिए माफ़ी का कोई इम्कान नहीं यानी अगर दुनिया में इंसान को तौफीक मिल गई उसने माफ़ी मांग ली अपनी बात छोड़ दी तौबा कर ली अच्छा अमल इख्तियार किया तौहीद पर कायम हो गया तो अल्लाह ताला सब गुनाह माफ़ कर देता है ये बात कुरान मजीद में दूसरी जगहों पर भी बहुत वाजे कर दी गई है लेकिन अगर ये नहीं किया और शिर्क पर इसरार करते हुए दुनिया से रुखसत हो गया तो फिर माफ़ी का कोई इम्कान नहीं इससे ये बात वाज हो गई कि दूसरे गुनाहों के मामले में भी किसी को दलेर नहीं होना चाहिए इसलिए कि वो भी उसी वक्त माफ़ होंगे जब खुदा चाहेगा आयत को पढ़िए ना तो उसमें यह बताया गया है कि बाकी गुनाहों को भी अल्लाह चाहेगा यानी अपने कानून के मुताबिक अपनी हिमत के मुताबिक जो कायदे उसने मुकर किए हैं और जब खुदा चाहेगा और खुदा के बारे में ये मालूम है कि वो जो कुछ चाहता है अपनी हमत और कानून के मुताबिक चाहता है उसकी कोई मशियत उसका कोई इरादा भी अलटअप नहीं होता अलीम है हकीम है और उसकी ये सिफ़ात उसकी हर मशीयत के साथ शामिल होती हैं तो ये फरमाया कि अल्लाह ताला शिर्क को तो किसी हाल में भी माफ़ नहीं करेगा इसके नीचे अलबत्त किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको भी अपने कानून अपनी हिकमत के मुताबिक चाहेगा तो माफ़ कर देगा मामला उसकी मशीयत पर है ऐसा नहीं है कि कोई इस्तेक किसी का कायम हो गया तो इन पर तोजो दिलाई कि अपने इन गुनाहों को भी देखो और शिरक जैसे जुर्म का तुम इरतक करते रहे उसको भी देखो और इस जो में बाल से निकलो कि तुम्हारे अकायद और अमाल कुछ हों तुम लाजमन जन्नत में चले जाओगे अल्लाह ने इसकी कोई ज़मानत किसी को भी नहीं दे रखी हुई है अल्लाह के हाँ तो इसी बुनियाद पर मामला होगा कि किसी ने क्या रवैया अख्तियार किया इर्शाद फरमायाम तराजी युजकून अनफ सूम तुमने देखा नहीं उनको जो शिर्क जैसे गुनाह का इरतक करते हैं और इसके बावजूद अपने आप को पाकीज़ा ठहराते हैं यानी ये जो चीज़ है ये जो उम्मतें होती हैं पैगंबरों की उनके अंदर दर आती है शिर्क जैसे गुनाह का इरतक करते हैं और फरमाया कि इसके बावजूद क्या है अपने पाकि दामा की हकायत यहाँ तक बढ़ा रखी हुई है ये कहते हैं कि हम तो उम्मतें मरहूमा हैं हमारे ऊपर तो अल्लाह की ख़ास इनायत है और अपने आप को पाकिज़ा ठहराने की जसानत करते हैं बल ला युज़क्की यशा फरमाया हरगिज़ नहीं बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है अपने कानून के मुताबिक पाकिज़गी अता करता है वला युलमुन फ़तीला फरमाया ये अपने करतूतों की लाजमन सज़ा भुगतेंगे और इन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा उन ज़ुर ुरुर्फ़ यफरुना अल्लाक़ब इन्हें देखो अपने इन दावों से ये कैसा इफ्तरा बांध रहे हैं कैसा झूठ बांध रहे हैं कई फ़ी कज़िब व वकफ़ा बी इस्म मुबीना और हकीकत ये है कि सरी गुना होने के लिए तो यही काफ़ी ये इस्ज़ाम बातल में मुबला होने का नतीजा है जो कुरान मजीद ने बयान कर दिया कि हम खुदा के महबूबों की औलाद हैं उसकी बरगुजीदा उम्मत है इसलिए बड़े बड़े गुनाहों का अरतक करने के बावजूद भी जन्नत में तो हम दाखिल हो जाएंगे पाकिज़गी हमें चाहिए वो हर हाल में हमें हर हाल में हासिल रहती है इसलिए कि जो हमारा मरतबा और मकाम है उस मकाम के होते हुए हमारा मुआज़ा इस तरह नहीं होता अब अल्लाह ये बता दिया कि जो पाकिजगी अल्लाह ता फरमाता है पाकिजगी दावे करने से हासिल नहीं होती जो पाकिजगी अल्लाह फरमाता है वो ईमान और अमल और बिर तकबा से हासिल होती ताम 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 है पाकिजगी हासिल करने का ज़रिया इस नोयीत के दावे ये नस्बतें ये मकाम ये मरतबे और इनका जिक्र नहीं है ये तो हासिल होती है सच्चे ईमान से सच्चे अमल से वफादारी का हक अदा करने से अल्लाह का तकवा तकवायार करने से और अल्लाह ताला ये नेमत नमत तकवा की नेमत और अल्लाह के साथ सच्चे अमल की नेमत ये उनको अता फरमाता है जो इन चीज़ों का अहतमाम करते हैं इनके बग़ैर ये किसी को हासिल नहीं हो सकती यानी पाकिजगी जिसका दावा कर रहे हैं अपने आप को वह बड़ा मुकदस समझते हैं कि हम तो बड़े अली मकाम और मरतबे पर फायज़ हैं इर्शाद फरमाया कि नहीं अल्लाह ताला के यहाँ पाकीजगी उसके कानून के मुताबिक मिलती है और उन्हीं को मिलती है जिनको मुस्तक समझता है और किन को मिलती है उनको मिलती है जो ईमान और अमल में आगे बढ़ते हैं और बिर वकबा इख्तियार करते हैं जो इसका अहतमाम करता है उसको पाकिदगी हासिल होती है इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये इस तरह के दावे करके अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं और सरी गुना होने के लिए तो यही काफ़ी है कि इस तरह के झूठ अल्लाह के ऊपर बांधे जाएँ और इस तरह के दावे किए जाएँ इस रोशनी में ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारी उम्मत में भी क्या क्या चीज़ें पैदा हुई यानी ये बड़ी बदकिस्मती की बात होती है कि अल्लाह ताला सारी दास्तान सुना रहे हैं बता रहे हैं कि यहूद के साथ ये मामला हुआ और यहूद का मामला यह है कि कोई मामूली मनसब नहीं है जो उनको अता हुआ है कुरान मजीद कहता है सारी दुनिया पर फजीलत मैंने दी तुम्हें बड़ा गैर मामूली मरतबा अता फरमाया लेकिन जब इस जो बा, में बातिल में मुबला हुआ है कि हम शर्क कर लें तब भी कोई गिरफ्त नहीं है हम खुदा पर झूठ बांध लें तब भी कोई गिरफ्त नहीं है तो साफ साफ ये बता दिया कि अल्लाह ने दुनिया पर भी दुनिया में भी तुम पर लानत की है क्यामत पर भी मुजरम करार पाओगे अल्लाह ताला के यहाँ एक ही कायदा है अपने आप को पाकीज़ा ठहराने की जसारत ना करो पाकीज़गी अल्लाह के कानून से मिलती है और अल्लाह की हिमत के मुताबिक अमल करोगे तो उससे मिलती है पाकिदगी दावों से हासिल नहीं होती ये दावे उल्टा ख़ुद सरी गुना बन जाते हैं यानी एक गुना तो शर्क करने का हो रहा था एक पैगम्बर की तस्दीक ना करने का हो रहा था एक जैद और हटदर्मी का हो रहा था फरमाया उसके साथ जब ये दावे करते हो तो ये ख़ुद सरी गुनाह बन जाते हैं यानी ये जुर्म पर जुर्म का जरिया बन जाते हैं और इसके नतीजा भी ये निकलता है कि अल्लाह के गज़ब के बाद फिर उसके गज़ब के पुस्तक हो जाते हैं तो ये बात इरशाद फरमाने के बाद अब ये इरशाद हुआ अलम तरा तलाजी नसीबम मिनल किताब तुमने देखा नहीं इन लोगों को जो खुदा की किताब से बहरायाब हुए इससे पहले भी इसी तरह एक पैरा शुरू हुआ था और वो यहाँ तक पहुँचा फिर फरमाया तुमने देखा नहीं इन लोगों को जो ख़ुदा की किताब से बहरायाब हुए यू बिल जिप्त व तागूत ये जिप्त और तागूत पर अकीदा रखते हैं यहूद जिन मामलात में शिरक के मुरतकब हुए ये उसकी एक मिसाल है इसमें जो लफ्ज़ जिप्त इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद आमाल सिफलियाँ हैं ये जो आम तौर पर अमल किए जाते हैं और जिन में तरह तरह के लूम फ़नून जो मुश्काना तोहमात पर मबनी होते हैं उनकी तरफ़ मराजत की जाती है इस तरह के आमाल सिफ़लिया में चूँकि शैतानी कु्वतों को मौसर विजात माना जाता है यानी ये जादू टूने और इस तरह की बहुत सी चीज़ें इन में शैतानी कु्वतों को मौसर विजात माना जाता है इसलिए जप्त के साथ ताबूत का जिक्र भी हुआ है यानी ये फरमाया है कि ये जप्त और ताबूत पर अकीदा रखते हैं यानी इन आमाल पर अकीदा रखते हैं और इनके पीछे जो शैतानी तसरफात हैं उन पर भी अकीदा रखते हैं इन चीज़ों को मानते हैं अल्लाह के दीन के अलंबरदार होने के साथ इस पस्ती में उतर चुके हुए हैं कि ये इन आमाल सफलियाई को अपनी ज़िंदगी बनाए हुए हैं और फिर इनके पीछे शैतानी तसरफात के बरहक होने का एतक़ाद भी रखते हैं तो इस वजह से शैतान का जिक्र भी साथ ही आ गया कि जप्त और ताबूत पर अकैदा रखते हैं व यकुल्लाजीना कफ़रु हा उलादमिनज़ीना सबीला और इस कदर पस्ती में गिर चुके हैं कि नबी अलैहि वसल्लम की मुखालफत में खुल् खुला मुश्किन अरब को मुसलमानों पर तरजीह देते यानी मुनकरों के मतलब कहते हैं कि ईमान वालों से ज़्यादा हिदायत पर तो ये होना तो ये चाहिए था कि ये अम्बिया के मानने वाले रिसालत में आपकी की बेहस हुई तो ये सबसे बढ़ अपने आप को मुसलमानों के करीब समझते तो फरमाया कि यहाँ उलट सूरत हाल है कि ये ये मुनकरों के मतलक कहते हैं कि ईमान वालों से ज़्यादा हिदायत पर तो ये उनको ज़्यादा हिदायत याफ्तर करार देते हैं ये इनके जराइम बयान हो रहे हैं तो फरमाया कि ये पस्ती है जिसमें ये गिर चुके हैं कि नबी वम सल्य की मुखालफत में खुल्म खुल्ला मुश्किन अरब को मुसलमानों पर तरजीह देते हैं और कुरान मजीद को अगर आप दूसरे मकाम पर देखिए तो इसमें ये बात वाज़ कर दी है कुरान ने कि वैसा किस तरह करते थे अल्लाह की किताब चूँकि बाद कर रही थी जो चीज़ें इन्होंने दीन में दाखिल कर दी थी उनको निकाला जा रहा था उन असलाहत को आड़ बनाकर और अपनी बिदतें और अपने तशद्दात को बुनियाद बनाकर ये कहते थे कि देखिए जी ये तो बेदीन होते जा रहे हैं और ये बिलमूम होता है यानी आपने देखा कि मजहबी लोगों की जहनीयत होती है कि उनकी असलाह करने के लिए अगर कोई ख़ुदा का बंदा तोज्जो दिलाए तो वो किसी सेकुलर आदमी को बर्दाश्त कर लेंगे वो दहरी को बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो किसी साहिब ईमान आदमी को अगर वो कोई इख्तलाफ कर रहा है तो अपना भाई समझ कर उसकी बात सुन लें तो यहाँ बिल्कुल वही जहनीयत है जो बिल्कुल नुमाया होकर सामने आ गई है फरमाया कि इनका हाल ये है कि मुनकरों के बारे में ये कहते हैं कि ईमान वालों से ज़्यादा हिदायत पर ये यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कुरश मक्का वो मुशरिकीन जो शिरक में पड़े हुए हैं जिन्होंने शर्क को ईमान और दीन बनाया हुआ है इतने बड़े जुर्म का इरतक कर रहे हैं उनके मामले में इनके यहाँ नरम गोशा मौजूद है और मुसलमानों के बारे में ये कहते हैं कि इनसे तो वो ज़्यादा हिदायत पर है। ये सूरत हाल भी मजहबी लोगों में बिलमूम पैदा हो जाती है ये भी मज़हबी लोग हैं यानी ये दीन ईमान के दावेदार हैं पैगम्बरों के मानने वाले हैं यूँ समझ लीजिए ना कि जो हमारी सूरत हाल है वही उनकी सूरत हाल है तो इस तरह की सूरत हाल में कुरान मजीद ने यह फरमाया कि इस सतह पर उतर आए हैं इस पस्ती में गिर चुके हैं इरशाद हुआ कि उलायकन ला ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत कर दी है वमन व मई यलन फलन तजलहू नसीरा और जिन पर अल्लाह लानत कर दे तो फिर तुम उनका कोई मददगार नहीं पा सकते ये जो लानत का लफ्ज़ है ये हमारे यहाँ जो कि उर्दू ज़ुबान में लोग इसके मुद्दा और मतलब से वाकिफ़ नहीं होते तो वो ख़्याल करते हैं कोई गाली है नहीं इसका मतलब यह है कि इनको अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया अरबी ज़ुबान में इसका मफहूम ये होता है कि अब ये खुदा की रहमत के मुस्क नहीं रहे अमन उम नसीब उमिन मुल्क क्या खुदा की बादशाही में इनका भी कोई हिस्सा है हम लहुम नसीब मिलन मल्क फ़ैज़ ला यू तू नास नक़ीरा अगर ऐसा होता तो ये लोगों को फूटी कोड़ी भी देने के लिए तैयार ना होते ये जो सवाल किया है ना क्या खुदा की बादशाही में इनका भी कोई हिस्सा है तो ये असल में इनकार का उसलूब है जैसे हम बात सवालिया जुमला बोलते हैं इनकार के लिए मतलब ये है कि खुदा की बादशाही और उसका इख्तियारकदार खुदाई के पास है उसका कोई हिस्सा अल्लाह ताला ने इनको नहीं दे रखा कि जिसको चाहे दें और जिसे चाहे महरूम कर दें असल में तो ये इस बात के ऊपर हसद में मुबला हुए कि ये नबूवत इधर क्यों चली गई है तो उस पर सवाल किया है कि खुदा की बादशाही में इनका भी कोई हिस्सा है यानी खुदा को इनसे पूछ कर ये मामला करने चाहिए थे तो बड़ी जजर का जुमला है फरमाया कि फिर तो हाल ये है कि अगर इनके पास ये सब कुछ होता तो फिर तो ख़ुदा की इन इनायतों में से किसी को फूटी कोडी भी देने के लिए तैयार ना होते अम लहुम मिनल मुल्क क्या ख़ुदा की बादशाही में इनका भी कोई हिस्सा है पर माँ फ़ैज़ ला यू तून नक़ीरा अगर ऐसा होता तो ये लोगों को फूटी कोडी भी देने के लिए तैयार ना होते अम यदून नासा अलामा आत फ क्या ये लोगों से अल्लाह की उस इनायत पर हसरत कर रहे हैं जो उसने उन पर की है फरमाया यही बात है तो सुन लें कि फ़क्त आता किताब इब्राहीम अल्किताबलिकमा हमने तो औलाद इब्राहिम की ये जो शाख है बनी इस्माइल इनको अपनी हमत और अपनी शरीयत बख्श दी वह आतई हम मुल्क नजीमा और उन्हें एक अजीम बादशाह अता फ़रमा दी ये बात इनसे पर्दा उठा दिया है कि इनका तमाम ग़म गुस्सा सिर्फ़ इस बात पर है कि नबूत इनके ख़ानदान का हिस्सा थी ये उससे निकल कर बनी इस्माइल के अंदर किस तरह चली गई है और अब ये फरमाया कि ये हसद में मुबतला हैं असली मरज़ ये है इस इनके इस हसद के अला रगम बनी इस्माइल के हक़ में नबूत और नबूत के साथ एक अज़ीम बादशाही का फ़ैसला कर दिया गया है ये उस बादशाही की बशारत है जो बाद में रसोल वसम पर ईमान लाने वालों को हासिल हुई यानी ये बड़ी गैरमूली पेशींद गोई है कुरान की कि हमने फैसला कर लिया है ये हसद में मुबला है तो हुआ करें बादशाही इनको नहीं दी गई खुदा की बादशाही में इनका कोई हिस्सा नहीं ये किस बलबूते पर इस तरह की बातें कर रहे हैं इनकी क्या हैसियत है जो इनको दिया गया था ये उसमें भी चोर साबित हुए ये सिर्फ हसद में मुबला हैं तो अच्छी तरह समझ लें इस बात को कि अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि वो बनी इसमाइल को अपनी हमत भी अता करेगा अपनी शरीयत भी अता करेगा यानी दीन की नेमत से नवाजेगा ये दीन के दो ही हिस्से होते हैं हिमत से मुराद है ईमान व ईमानक यानी वो चीज़ें जो दीन के फ़लसफ़े से ईमान वखलाक़ से ताल्लुक़ रखती हैं कुरान उन्हें कुरानिकमत कहता है और शरीयत अल्लाह का कानून है तो फरमाया हमने ये बनी इस्माइल को देने का फ़ैसला कर दिया और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमने वो अजीम बादशाही भी दे दी है जिस बादशाह का हमने इससे पहले वादा किया था तो रसूलुल्लाह सल्लम पर जो लोग ईमान लाए उनको ये बादशाही हासिल हुई और वो इतनी अजीम बादशाही थी कि, कि कोई दस पंद्रह साल ही के अंदर मुसलमानों की सल्तनत वहाँ तक फैल गई कि आज अगर गिनी है तो मालूम होता है कि दसीियों ममालिक मौजूदा ज़माने के उसके सूबे बनकर रह गए इतनी बड़ी बादशाही थी उसके बारे में ये फरमाया और ये किस वक्त फरमाया जा रहा है जब अभी मक्का भी फतह नहीं हुआ फरमाया वात नल काम आ और हमने उन्हें एक अजीम बादशाही फरमाने का फ़ैसला कर दिया अब जाहिर है कि ये बादशाही किन को अता की गई ये बादशाही अता करने का फ़ैसला किया गया बनी इस्माल को और अभी बनी इसमाइल भी पूरी तरह ईमान नहीं लाए यानी अभी जो बनी इस्माइल का मामला है अल्लाह ने तो फैसला कर दिया अपना कि ईमान लाओगे तो ये नेमत तुमको हासिल हो जाएगी लेकिन अभी वो पूरी तरह ईमान नहीं लाए तो गोया इस पर एक इसदराक किया है कि हमने तो फैसला कर दिया हमने हिदायत भी दे दी हमने दीन भी दे दिया हमने शरीयत भी दे दी हमने हकमत भी दे दी ये तो हमारा फैसला है लेकिन इन्होंने अभी तक यानी खुद बनी इस्माइल ने भी अभी तक इसकी कदर नहीं पहचानी तो अब उनके ऊपर तबसरा किया है कि फमिन हमन आमन बही कि हमने तो फैसला कर दिया देने का लेकिन उनमें ऐसे भी हैं जो अभी ना इस हमत पर ईमान लाए हैं ना इस शरीयत पर ईमान लाए हैं वह मिन मन सद्दान हो और ऐसे भी हैं जो इससे मोह मोड़ गए हैं वह कफ़ा बे जहन्नम सईरा इस तरह के लोगों के लिए दोजक़ की भड़कती आग ही काफ़ी है इरशाद हुआ इन नज़ीना कफ़रूब आयातना सौफ़न अस्लीम नारा जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया है उन्हें हम अनकरीब एक बड़ी आग में झोंक देंगे क़्लमा नज़त जुलूद हम बदल हम जुलूदन गई रहा इनकी खालें जब पक जाएंगी हम उनकी जगह दूसरी खालें पैदा कर देंगे ले अजाब ताकि अजाब का मजा चखें इन लाख काना अजीज़ा हकीमा बेशक अल्लाह अजीज़ हकीम है वल्लीना आमन व और जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और उन्होंने नेक नकमल किए सुतख़् जन्नातिन तजरीमिन तख्त हलन हार उनको हम ऐसे बाग़ों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी खालदी फ़ीहा अबदा वो उनमें हमेशा रहेंगे लहुम फ़ीहा वाजुम मुताहरा उसमें उनके लिए पाकिज़ा बीवियाँ होंगी व नख़्ल हम झिल्ल और उन्हें हम घनी छाँव में रखें तो ये अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़े तरीके पर बयान कर दिया कि यहूद हसद में मुब्तला है मैज़ हसद है जो इसका बायस बन रहा है कि ये इनकार करें जो कुछ रवैया इन्होंने इख्तियार किया उसकी वजह भी यही है ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने 2000 साल तक हमारे ऊपर इनायत किए रखी तो अब किसी और पर कैसे हो सकती है तो फरमाया कि बादशाही परवर की है फ़ैसले उसको करने हैं नबूत उसको देनी है अगर ये जो कुछ इनको दिया गया था उसमें चोर साबित हुए हैं तो अल्लाह ताला ने तो बहर इंसानों की हिदायत का अहतमाम करना है उसने फैसला कर लिया है कि वह बनी इसमाइल को अब हिमत भी अपनी देगा अपनी शरीय भी अता फरमाएगा और एक अजीम बादशाह भी उन्हें अता फ़रमाने का फ़ैसला कर लिया है ये एक अलग बात है कि अभी खुद बनी इसमाइल ने भी इसकी कदर नहीं पहचानी यानी उनमें से कुछ वो हैं कि जो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है कुछ खुदा की राह से रोक रहे हैं लेकिन बहरहाल सबको मतलब हो जाना चाहिए कि जो पैगंबर की तरफ़ से बात के इतनी हकीकत के इस कदर वाज़े हो जाने के बावजूद उसका इनकार करेंगे और इनकार पर इसरार करेंगे और इस तरीके से जानते बूझते हक़ के मुनकर हो जाएंगे उनके लिए जहनम की आग है और वो लोग के जो ईमान लाएंगे मान लेंगे हकीकत का एतराफ़ करेंगे जिनको अल्लाह इसकी तोफ़ी देगा उनके लिए वो 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 जन्नत की तस्वीर खींच दी है और ये बताया है कि अल्लाह ताली इस बात पर पूरी कुदरत रखता है कि अपने बंदों को इस गैरमूली तक पहुँचा दें हरायात के साथ सुन लीजिए वो लोगों जिन्हें किताब दी गई उस चीज़ को मान लो जो हमने उन चीज़ों की तस्दीक में उतारी है जो खुद तुम्हारे पास मौजूद है मान लो इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और उनको पीछे की तरफ उलट कर बराबर कर दें या उन पर भी जिनके ये चेहरे हैं उसी तरह लानत कर दें जिस तरह हमने सफ़्त वालों पर लानत कर दी थी और याद रखो कि खुदा की बात होकर रहती है इनका ख्याल है कि इनके अकायद व माल का कुछ हूँ ये लाजमन जन्नत में जाएंगे इन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि जानते बूझते किसी को उसका शरीक ठहराया जाए इसके नीचे अलबत् जिसके लिए जो गुनाह चाहेगा अपने कानून के मुताबिक बख्श देगा और इसमें तो कोई शुआही नहीं कि जो अल्लाह को शरीक ठहराता है वह एक बहुत बड़े गुनाह का इफतरा करता है तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो शिफ़ जैसे गुनाह का इर्तिकाब करते हैं और इसके बावजूद अपने आप को पाकिज़ा ठहराते हैं हरगिज़ नहीं बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहता है अपने कानून के मुताबिक पाकिजगी अता फरमाता है ये अपने करतूतों की सजा लाजमन भुगतेंगे और इन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा इन्हें देखो अपने इन दावों से ये कैसा इखतरा बांध रहे हैं और हकीकत यह है कि सर गुनाह होने के लिए तो यही काफ़ी है तुमने देखा नहीं इन लोगों को जो खुदा की किताब से बहरायाब हुए ये जिप्त और ताबूत पर अकीदा रखते हैं और मुनकरों के मतलब कहते हैं कि ईमान वालों से ज़्यादा हिदायत पर तो ये है ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत कर दी है और जिन पर अल्लाह लानत कर दे फिर तुम उनका कोई मददगार नहीं पा सकते क्या खुदा की बादशाही में इनका भी कोई हिस्सा है अगर ऐसा होता तो ये लोगों को फूटी कोड़ी भी देने के लिए तैयार नहीं होते क्या ये लोगों से अल्लाह की उस शिनायत पर हसद कर रहे हैं जो उसने उन पर की है यही बात है तो सुन लें कि हमने औलाद इब्राहिम की इस शाख को अपनी हमत और अपनी शरीय बख्श दी और उन्हें एक अजीम बादशाही फरमा दी है ये अलग बात है कि अभी तक उन्होंने भी इसकी कदर नहीं पहचानी सो उनमें ऐसे भी हैं जो इस हमत और इस शरीय पर ईमान लाए हैं और ऐसे भी हैं जो इससे मोह मोड़ गए हैं इस तरह के लोगों के लिए दोजक़ की भड़कती आग ही काफ़ी है जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार कर दिया है उन्हें हम अन करीब एक बड़ी आग में झोंक देंगे इनकी खालें जब पक जाएंगी हम उनकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अज़ाब का मज़ा चखें बेशक अल्लाह अजीज़ हकीम है और जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और अमल किए उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी उनमें हमेशा रहेंगे उसमें उनके लिए पाकिज़ा बीवियाँ होंगी और उन्हें हम घनी छाँव में रखें अपूलो कौली हाजा मुस्तफ़िला